Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to discuss the very important topic of chapter number 3, that is the difference between mass and weight. Aur difference jab bhi main aapko do cheezon ke darmiyan karwaungi, that is we make the partitioning, theek hai, just put up the line. Aur definition of this quantity should be here, definition of this quantity should be here. और इसका जो है यूनिट लिखेंगे, फिर अगर जो इस क्वांटिटी का यूनिट होगा वो यहाँ लिखेंगे, इस क्वांटिटी का यूनिट यहाँ लिखेंगे, और ये क्वांटिटी है क्या, वेक्टर है, स्केलर है, वो यहाँ लिखेंगे, इसकी क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, और एग्जांपल्स और मेजरमेंट्स आगे हम कहेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मास इज, मास पहले भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रोसेस्ड बाय द बॉडी. बस कितना मैटर एक बॉडी के अंदर है वो उसका मास है. मैटर मतलब जो सॉलिड चीजें हैं, लाइक पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितने पार्टिकल्स, कितना मैटर है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड द मास. और वेट, वेट इज नॉट मास, दिस इज द फोर्स. लाइक ये अगर पेन है तो जो अर्थ इसको पुल कर रही है नीचे की तरफ, अगर मैं इसको छोड़ू तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है. तो वो फोर्स जिससे अर्थ इसको पुल कर रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स वेट, ठीक है. मास क्या है, इसके अंदर कितना मैटर है, और वेट क्या है, वो फोर्स जिससे अर्थ इसको पुल कर रही है, दैट इज द बहुत आसान एग्जांपल्स. मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रोसेस्ड बाय द बॉडी. वेट इट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी टुवर्ड्स इट. और W is equals to mg is the formula for the mass, weight. Now comes to the quantity. Mass is scalar quantity. ये आपने पूरा लिखना है. Mass is a scalar quantity. Weight is a vector quantity because it is a force. और force हमने पहले भी पढ़ा कि force is a vector quantity. Unit, unit आपका mass का हो जाएगा kg. और because weight is a force, ये लिखा हुआ है, वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है. डिपेंडेंस ऑन प्लेस, मास आपका यहां भी रखो, छत पे रखो, मार्स पे, कहीं और ले जाओ, मास वही रहेगा क्योंकि उसके अंदर जितना मैटर है मास वो है, ठीक है, वो चेंज नहीं होना. लेकिन आपका जो वेट है वो क्लोजर टू द अर्थ ज्यादा है, ऊपर जाओगे तो वेटलेसनेस फील होती है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. लाइक हाइट पे जाते हैं तो यू फील वेटलेसनेस, वेट कम होता है, क्योंकि वेट डायरेक्टली, मास आपको पता है चेंज नहीं होता, वेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. जहां ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा वहां वेट ज्यादा, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहां ज्यादा, क्लोजर टू द अर्थ. जितना अवे टू द अर्थ जाओगे उतना आपका जी जो है वो छोटा होता जाएगा, और डब्ल्यू जो है वो भी छोटा होता जाएगा, क्योंकि वेट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द जी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. ये दोबारा क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द वेट वेरी फ्रॉम एल्टीट्यूड टू एल्टीट्यूड, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो आंसर इज दैट कि आपका वेट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज स्मॉल g, क्लोजर टू द अर्थ इसकी वैल्यू ज्यादा है g की, तो वेट की भी ज्यादा है. अवे फ्रॉम द अर्थ इसकी वैल्यू g की स्मॉल है, तो वेट की भी स्मॉल है, ठीक है. तो वेट जो है वो एक जैसा नहीं रहता, मास हर जगह एक जैसा रहेगा. वेट वेट जो है वो डिपेंड करता है प्लेस पे, ठीक है, ये डिपेंडेंस होगी. मेजरमेंट, आपका जो वेट है इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस बोथ. और यहां पर मास इज मेजर्ड बाय द बीम बैलेंस. ये चार पांच पॉइंट्स हैं जो कि बहुत क्लियर है. आप इनको दो तीन दफा जो है इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाए. और ये डिफरेंस बहुत बहुत टाइम रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और वैसे भी आपको मास और वेट में जो है जब तक डिफरेंस समझ नहीं आएगा तो बेस ही बेसिकली आपकी फिजिक्स की है. तो आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह से जो है अभी से समझ लें ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो. अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू शेयर द वीडियो, और कॉमेंट कीजिए इफ यू वॉन्ट समथिंग मोर. थैंक यू.
Thank you very much.